अभी हम कचहरी जा रहे हैं, थाने पर जा रहे हैं, अभी हम गोरखपुर कैंट थाने जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ बातचीत होगी, सारा चीज सच्चाई रखा जाएगा। अभी दोस्तों मैटर बहुत खतरनाक हो गया था, जैसा मैटर हम लोग सोचे थे वैसा नहीं है, हम लोग सोचे थे। हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हम भी ठीक हैं। और एक मैटर चल रहा है दो दिनों से, विष्णुराज और मालती चौहान का, जो कि आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे। और मालती चौहान आज गोरखपुर आ चुकी है, गोरखप्रिया बहू जी के घर पे, और वो उनको लेके कोर्ट पहुंची हैं, जो कि मुकदमा कराने विष्णुराज के खिलाफ। और आखिर क्या मैटर है इन लोगों का, आइए जानते हैं। वीडियो में बने रहिएगा आप लास्ट तक। देखो ये बता रहे यूट्यूब पे काम करती है। अच्छा, करें इन्होंने जो जो प्रॉब्लम बताया हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम बताया हुआ है? इनके पति ने जो है इनके साथ टॉर्चर किया, दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध स्थापित किया, और इनको नशे की दवा देते रहे। ये बता रही है सारी सारी चीजें, ऐसा ही बता रही है। अच्छा, दवा इनको देते रहे और रात भर उनको अवैध संबंध बनाते रहे। और ये सारी सूचना कहाँ मिली आपको? मालती चौहान जी बताइए, बता रहे हैं। अच्छा, इनके द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई वो बता रहा हूँ। अच्छा, और ये मतलब इससे उनकी जान भी जा सकती है मालती जी की? जी बिल्कुल बिल्कुल जा सकती है। और उसमें देखिए, एक बंदा और मिला जो उनके मजबूरी का फायदा उठाया, वो कहा कि राहुल नाम का जो है उनको आके चलो महंगे छोड़ देते हैं, और सिर्फ 35,000 के लाभ लेते हुए उनके सारे जेवरात इस तरह के अपराध। ये एप्लीकेशन आपको दे रही है? ये एप्लीकेशन हमको एक तो गाइस, जैसा कि देख के वीडियो आप लोगों को पता चल गया होगा, और मालती चौहान उसके ऊपर आरोप लगा रही है कि कोई राधिका नाम की लड़की है जो कि पिपराइच की रहने वाली है, कुशीनगर जिला के, और विष्णुराज इसके ऊपर लगा रहा है, इसका रिकॉर्डिंग रखा है। तो आखिर सच्चाई दोनों में कौन है सच्चा, इन्हीं लोगों को पता होगा दोनों में से, दूसरा कोई तो जानेगा नहीं, क्योंकि यही दोनों लोग जान सकते हैं। और रही बात वीडियो डालने का, आइडियो जो वायरल किया है विष्णुराज, ये तो गलत किया है वो, क्योंकि कोई दूसरी नहीं थी, वो बीवी ही थी, अगर कहीं मिला है कुछ भी तो अपने रखता, अपने समझता उससे, लेकिन इसे वायरल करना बहुत वो नहीं था, यहाँ तो गलती हम उसकी मानेंगे। और रही बात इसकी, तो इसको भी साबित करना चाहिए मालती चौहान को कि हकीकत क्या है, सामने रखना चाहिए, जाना चाहिए, तभी तो लोग जानेंगे कि सही क्या है और झूठ क्या है। और गाइस, आप लोग क्या लगता है दोनों में से गलत कौन है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग कि गलती किसका है।